कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान देश प्रदेश में वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद था, लेकिन अब अनलॉक के बाद सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। ऐसे में हजारों लोग नेशनल हाईवे से होकर गुजरते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले को जोड़ने वाला कीन नदी पर बना ये पुल हादसे का इंतजार कर रहा है। दरअसल छतरपुर पन्ना नेशनल हाईवे पर बना पुल जर्जर स्थिति में है। 1956 में बने पुल की रेलिंग कई जगहों से टूटी हुई है। इतना ही नहीं, 2006 में इस पुल को क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया है। बावजूद इसके पुल से रोजाना वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। पन्ना के कलेक्टर रह चुके कर्मवीर शर्मा ने पुल की मरम्मत की बात कही थी, लेकिन इससे पहले ही उनका जबलपुर ट्रांसफर हो गया। अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा ये पुल लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक जिम्मेदार इस ओर ध्यान देते हैं। हमको ये लगता है भाई साहब के यहाँ पे जो बनना चाहिए बहुत पुराना हो चुका है। हमारा यहाँ पे खेत है तो ठंडियों में हम वहाँ पे जब पंप रखते हैं तो इतनी घटना होती है तो कोई दिन बकाया नहीं जाता है कि आज घटना नहीं होती है। इसलिए हमको तो लग रहा है कि जी बहुत पुराना हो गया और जी नाव बनते तो बहुत अच्छी चीज थी। लगभग जैसा पूर्वज बताते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व बनाया गया था, लगभग 1945 के आसपास, 1945 से 50 के बीच इस पुल का निर्माण किया गया था। इसके पहले जो पन्ना जाने के लिए रास्ता थी वो नीचे जहाँ से रप्टा घाट आता है उधर से रास्ता थी। इसके बाद निर्माण किया गया था, लगभग इसकी जो म्याद रखी गई थी वो 40 से 45 वर्ष रखी गई थी, जबकि इसको 70 वर्ष से अधिक होने को है। जर्जर है, क्षतिग्रस्त है, लेकिन उतना जर्जर नहीं है कि वाहनों में दिक्कत हो, अगर वाहन आने जाने में दिक्कत होगी तो सरकार इसको तत्काल बंद कर देगी। तो चक्कर ये है कि इसमें टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि बड़ा पुल बनना है, तो हमारी सरकार जल्दी से जल्दी, केंद्र मध्य प्रदेश की सरकार जल्दी से जल्दी